एवरी वन, वेलकम टू माई किचन। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंने आज मैंगो रसमलाई बनाई है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले 2 लीटर दूध लेंगे। 1 लीटर का मैंने रबड़ी बनाई है, एक ये रबड़ी के लिए दूसरे चूल्हे पे रख देंगे। ये 1 लीटर, इसका मैं छेना बनाऊंगी। दोनों को उबलने देंगे। ये दूध हमारा उबल गया, छेने वाले दूध का गैस ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे 10 मिनट तक। रबड़ी वाले दूध में मैं केसर डाल रही हूँ, 10-12 धागे। 1/2 कप शुगर डालेंगे। एक कुटी हुई इलायची डाल देंगे और इसे खौलने देंगे गाढ़ा होने तक, जब तक हमारा आधा रिड्यूस हो जाए दूध 1/2 लीटर के लगभग, फिर गैस बंद कर देंगे। एक दूसरी कटोरी में 1 टेबल स्पून विनेगर और वाटर का मिक्सचर बनाएंगे और इसे हम धीरे धीरे डालते हुए छेना बनाएंगे। धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमारा दूध फट गया। अब एक स्ट्रेनर लेंगे, उस पर मसलिन क्लॉथ ले रखेंगे, उसके बाद इसे छान देंगे। उसके बाद ठंडे पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। धुल गया हमारा छेना। अब इसके बांध कर इसको 1 से 1.5 घंटे तक पानी स्ट्रेन करने के लिए रख देंगे। मैंने 2 मैंगोज के क्यूब बना लिए हैं, प्यूरी बनाएंगे। अब एक फ्राइंग पैन में अपनी मैंगो प्यूरी डालेंगे। इसमें मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम चीनी डाला है। अगर आपके मैंगोज खट्टे हैं तो 1/2 कप पूरा डाल सकते हो। इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे। इसके बाद इसे गरम गरम स्ट्रेन कर लेंगे। ये स्ट्रेन हो गया हमारा। ये रबड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। अब ये रबड़ी थोड़ी थोड़ी गर्म है, इसमें मैं अपनी मैंगो पल्प की प्यूरी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये हमारी रबड़ी रेडी हो गई। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में 1.5 कप चीनी डालेंगे, इसमें 5 कप पानी डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह बॉयल होने देंगे जब तक हम अपने छेने को मिक्स करेंगे। इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह मसलेंगे। इसके बाद इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह स्मूथ होने तक मलेंगे। यहाँ हमने छोटे छोटे 12 बॉल्स बनाए हैं। आप अपनी मर्जी के से छोटे या बड़े बना सकते हो साइज में। जब तक हमारा शुगर सिरप भी बॉयल हो गया है, उबाल आ गया है, इसमें 1-1 करके धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और इसे 10 मिनट तक बॉयल होने देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स कड़छी से धीरे धीरे पलट देंगे रसगुल्लों को, 10 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे। अब ये हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं, इसे 10 मिनट इसी में रहने देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। इसके बाद एक अलग बर्तन में 10-12 आइस क्यूब लेंगे, उस पर शुगर सिरप डालेंगे 2-3 कड़छी। उसके बाद अपने रसगुल्ले इसमें धीरे धीरे निकाल के डाल देंगे ताकि इनका साइज मेंटेन रहे टेम्परेचर की वजह से।
आधे घंटे इस आइस क्यूब्स में रखने के बाद इसे हम हल्के हाथों से दबा दबा के रबड़ी में डिप करते जाएंगे। आफ्टर 4 आवर्स हमारी रसमलाई तैयार हो गई है। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।